यार स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आरडी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 14 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखे हुए हैं, उनको हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर किसी मेथड का नाम मेंशन नहीं है, आप किसी भी मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 12 तक के इसके पार्ट से, इसमें से 7 पार्ट अपने हो गए, पार्ट 7 तक। पार्ट 8 से लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट 8, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हमको सॉल्व करके इसके रूट्स या इसके सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हमको ए बी सी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस गिवन इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं, और उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a में वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे कंपेयर करते हैं। तो ए इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर 1, बी इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस 1 एंड कॉन्स्टेंट टर्म सी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ये आ गई हमारे पास ए बी सी की वैल्यू। अब बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। रखो इसके अंदर एबीसी की वैल्यूज, तो विच इज इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस 1 है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 प्लस आयोटा अपॉन 2a, 2 और ए की वैल्यू है 1। सॉल्व कर दो इसको, विच इज इक्वल टू ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 1 माइनस 4 का इंटू कर लेते हैं ब्रैकेट में, 4 बन जा माइनस 4 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2 वन जा 2, विच इज इक्वल टू ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2। देखो ये x की वैल्यू आ गई अपने पास, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो अंडर रूट के अंदर आ रहा, तो इस अंडर रूट की वैल्यू अपने को निकाल के यहाँ पे रखना पड़ेगा। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वेयर रूट या अंडर रूट निकालने के लिए अपने पास में फॉर्मूला है, उसका यूज कर लेते हैं। सेंस अंडर रूट दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2। अब यहाँ देखो इमेजिनरी पार्ट माइनस 4 है तो माइनस आयोटा आएगा इन टू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2। यहाँ कंडीशन रहती है इमेजनरी पार्ट ऑफ दैट इज लेस देन 0। अगर इमेजनरी पार्ट लेस देन 0 है या नेगेटिव है तो यहाँ माइनस आयोटा आता है, और अगर इमेजनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ प्लस आयोटा आता है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से ये वाला अंडर रूट या स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो इसके लिए हमको मॉडुलस ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम लिख लेते हैं पहले। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस में डाल देते हैं, माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री है तो माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू माइनस फोर है तो माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, तो विच इज इक्वल टू नाइन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, और ट्वेंटी फाइव का अंडर रूट या स्क्वायर रूट फाइव, तो मॉडुलस ऑफ जेड तो आ गया फाइव। एंड रियल पार्ट ऑफ जेड लिख लो, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू, देखो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है माइनस थ्री। अब ये मॉडुलस ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ रख के स्क्वायर रूट ऑफ जेड निकाल लेते हैं पहले, देयरफॉर जेड के प्लेस पे वैल्यू रख दो अंडर रूट माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा, यही है कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू है फाइव और रियल पार्ट ऑफ जेड है माइनस थ्री, मॉडुलस ऑफ जेड हो गया फाइव प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू माइनस थ्री है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस थ्री अपॉन टू माइनस आयोटा इन टू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड आपका फाइव है माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस थ्री तो माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा अपॉन टू, इसको सॉल्व कर दो विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो गया फाइव माइनस थ्री टू अपॉन टू माइनस आयोटा, ये अंडर रूट फाइव प्लस थ्री एट अपॉन टू, तो और थोड़ा सॉल्व कर लो, ये टू से टू वन टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये टू से एट फोर टाइम कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बच गया विच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन, तो वन लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट फोर को टू और ये आयोटा, ये आ गया अपना अंडर रूट माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा इजिकल टू प्लस माइनस वन माइनस टू आयोटा। अब इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में एक्स इजिकल टू, देखो यहाँ वैल्यू ये वन प्लस माइनस इसके प्लेस पे ये वाली वैल्यू रखना है, तो ये वन प्लस माइनस इसके प्लेस पे जी, तो ये प्लस माइनस है और ये प्लस माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, तो डबल से लगाने की जरूरत नहीं है, वन माइनस टू आयोटा अपॉन टू, यहाँ से एक बार प्लस साइन ले लेते हैं और एक बार माइनस साइन ले लेते हैं, तो एक्स की दो वैल्यू ज्यादा होगी बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो एक्स इज इक्वल टू ये वन और प्लस साइन का इंटू कर दो ब्रैकेट में, तो ये वन माइनस टू आयोटा अपॉन टू विच इज इक्वल टू वन प्लस वन टू हो जाएगा माइनस टू आयोटा अपॉन टू, अब इस टू से इसको अलग अलग डिवाइड कर दो तो एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू टू को टू से डिवाइड करेंगे तो वन माइनस टू आयोटा को टू से डिवाइड करेंगे तो आयोटा, ये हमारा एक रूट आ गया एक्स इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा। अब बाय टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ये वन और इसमें माइनस साइन का इंटू कर दो ब्रैकेट में तो माइनस वन और माइनस टू आयोटा का प्लस टू आयोटा अपॉन टू, ये नेगेटिव वन पॉजिटिव वन कैंसल्ड विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू टू आयोटा अपॉन टू, ये टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा आयोटा बच गया विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू आयोटा, ये आपकी एक्स की एक और वैल्यू आ गई एक्स इज इक्वल टू आयोटा, तो ये दो इसके रिक्वायर्ड रूट्स हो गए, लिख देते हैं हम इसको, हेंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर वन माइनस आयोटा एंड आयोटा, तो ऐसे आप गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नाइन, आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ट्वेल्व आयोटा इज इक्वल टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है,
इसके रूट्स हमको कैलकुलेट करना है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हमको एबीसी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करते हैं और उसके बाद एबीसी की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू ए में वैल्यू रखेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएगी, वही उसके रूट्स हो जाएंगे। ऑन कंपेयरिंग with general quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Karo compare, a is equal to coefficient of x square iota, b is equal to coefficient of x minus 1 and constant term c is equal to 12 iota. Ab quadratic formula ka use kar lo, by quadratic formula क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, रखो इसके अंदर वैल्यूज एबीसी की विच इज इक्वल टू बी की वैल्यू है माइनस वन और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर करेंगे वन माइनस फोर ए की वैल्यू आयोटा और सी की वैल्यू 12 आयोटा अपॉन 2a, 2 और a की वैल्यू है आयोटा विच इज इक्वल टू ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 इंटू 12 फोर जा 48 आयोटा स्क्वायर माइनस 48 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 आयोटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 48 अपॉन 2 आयोटा विच इज इक्वल टू ये 1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 49 हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट 7 टू आयोटा, ये आया अपना x के इक्वल तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 2 आयोटा। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं और एक बार नेगेटिव साइन लेके दो वैल्यूज निकाल लेते हैं x की। बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन तो x इज इक्वल टू ये 1 प्लस 7 अपॉन 2 आयोटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 प्लस 7 8 हो जाएगा अपॉन 2 आयोटा, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 टाइम तो ये आ गया आपका 4 अपॉन आयोटा। आप डिनोमिनेटर को आयोटा में नहीं रखते, इसको रेशनलाइज कर लो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, आयोटा से मल्टीप्लाई और ये आयोटा से डिवाइड कर लिए तो ये हो जाएगा आपका 4 आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस 1 रख देंगे तो ये माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। ये आ गई हमारी x की एक वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस 4 आयोटा, ये एक रूट हो गया। अब बाय टेकिंग नेगेटिव साइन ले लो तो x इज इक्वल टू 1 और यहाँ माइनस 7 अपॉन 2 आयोटा, 1 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा अपॉन 2 आयोटा, 2 से कैंसिल कर लो इसको 2 3 6 ये हो गया आपका माइनस 3 अपॉन आयोटा, डेनोमिनेटर को आयोटा नहीं रखते हैं तो इसको रेशनलाइज कर लो आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करके ये हो जाएगा आपका माइनस 3 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 रख देते हैं तो ये माइनस 3 आयोटा अपॉन माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये एक्स की एक वैल्यू और आ गई प्लस 3 आयोटा, ये आ गई आपकी एक्स की दूसरी वैल्यू 3 आयोटा और एक माइनस 4 आयोटा, यही इसके रूट्स हो जाएंगे। देख देते हैं हम इसको, हेंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर माइनस 4 आयोटा एंड 3 आयोटा। तो
तो ऐसे आप गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 10th, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू माइनस टू आयोटा इंटू एक्स माइनस रूट टू आयोटा इज इक्वल टू जीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। इसको सॉल्व करके हमको इसके रूट्स कैलकुलेट करना है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हमको एबीसी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो पहले इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू लिख लेते हैं और उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके एक्स की वैल्यूज निकाल दें। ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, करो इससे कंपेयर। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस थ्री रूट टू माइनस टू आयोटा एंड कॉन्स्टेंट टर्म सी इज इक्वल टू माइनस रूट टू आयोटा। ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। रखो इसके अंदर एबीसी की वैल्यूज, विच इज इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस थ्री रूट टू माइनस टू आयोटा, ये माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री रूट टू माइनस टू आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर। देखिए इसका स्क्वेयर करेंगे बी का तो ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वेयर लगा दो, थ्री रूट टू माइनस टू आयोटा होल स्क्वेयर माइनस फोर, ए की वैल्यू है वन और सी की वैल्यू है माइनस रूट टू आयोटा, आराम से वैल्यू रखेंगे अपॉन टू ए, टू और ए की वैल्यू वन, इसको सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू ये थ्री रूट टू माइनस टू आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन को ए स्क्वायर करेंगे तो थ्री स्क्वायर नाइन और रूट टू स्क्वायर टू, नाइन टू जा एटीन प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो टू स्क्वायर फोर और ये आयोटा स्क्वायर माइनस टू ए भी करेंगे तो थ्री टू जा सिक्स रूट टू इंटू टू ट्वेल्व रूट टू हो जाएगा माइनस ट्वेल्व रूट टू आयो, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस फोर रूट टू आयो अपॉन टू, इसको और सॉल्व करो आगे, विच इज इक्वल टू थ्री रूट टू माइनस टू आयोटा प्लस माइनस ये 18 और 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो ये माइनस फोर हो जाएगा, 18 माइनस फोर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा प्लस का, और माइनस 12 रूट टू आयोटा और 4 रूट टू आयोटा, देखो एक जैसी टर्म है रूट टू आयोटा वाली, तो 12 में से 4 माइनस कर दो तो माइनस 8 रूट टू आयोटा हो जाएगा, माइनस 8 रूट टू आयोटा ऐसा हो गया अपॉन टू। यहाँ से 2 और कॉमन निकाल देते हैं और उसको अंडर रूट के बाहर कर देते हैं, तो अंडर रूट 2 को बाहर कर लेता हूँ, विच इज इक्वल टू 3 रूट टू माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल रहे हैं और अंडर रूट के बाहर लिखेंगे तो अंडर रूट 2, और अंदर क्या बच जाएगा, ये 14 में से 2 निकाल लिए तो 7 माइनस 8 में से 2 निकाल लिए तो 4 रूट 2 आयोटा अपॉन 2, ऐसा बच गया। अब देखिए ये 7 माइनस 4 रूट 2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये अंडर रूट के साइन के अंदर आ रहा है, तो हम इसका अंडर रूट या इसका स्क्वायर रूट अलग निकाल लेते हैं और उसको उठा के यहाँ रख देंगे, ये चला अपना एक्स के इक्वल, इसको एक इक्वेशन दे दो आप। आप स्क्वायर रूट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में उसका यूज कर लेते हैं, सिंस अंडर रूट जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड प्लस
पास रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन टू, यहाँ देखो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, माइनस फोर रूट टू आयोटा है, तो माइनस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन टू। यहाँ कंडीशन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज लेस देन जीरो, जब इमेजिनरी पार्ट लेस देन जीरो रहता है तो यहाँ माइनस आयोटा आता है, इमेजिनरी पार्ट अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो यहाँ प्लस आयोटा आता है। अब इस फॉर्मूले के लिए हमको मॉडुलस ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड की जरूरत पड़ेगी, वो दोनों लिख लेते हैं पहले। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, इसको मॉडुलस में डाल लो कॉम्प्लेक्स नंबर को, सेवन माइनस फोर रूट टू आयोटा, सेवन माइनस फोर रूट टू आयोटा, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस सेवन है तो सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन, प्लस वाई स्क्वायर, वाई के प्लेस पे माइनस फोर रूट टू तो माइनस स्क्वायर, प्लस फोर स्क्वायर सिक्सटीन, और रूट टू का स्क्वायर टू, सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू, विच इज इक्वल टू अंडर रूट नाइन प्लस टू इलेवन, फोर प्लस थ्री वन सेवन, एट्टी वन, एट्टी वन का स्क्वायर रूट या अंडर रूट नाइन, तो मॉडुलस ऑफ जेड तो आ गया अपना नाइन। अब एंड रियल पार्ट ऑफ जेड, देखो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, ये है सेवन, इज इक्वल टू सेवन। अब मॉडुलस ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड को हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, देयरफॉर अंडर रूट जेड के प्लेस पे कॉम्प्लेक्स नंबर रख दो, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर था, सेवन माइनस फोर रूट टू आयोटा, सेवन माइनस फोर रूट टू आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड है नाइन, प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड है सेवन अपॉन टू, माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड है नाइन, माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड है सेवन अपॉन टू, इसको और सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये अंडर रूट नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन अपॉन टू, माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट, नाइन माइनस सेवन करेंगे तो टू अपॉन टू, इसको कैंसिल कर लो, टू से एट टाइम, ये एट अंडर रूट के अंदर है और ये टू वन जो टू, वन भी अंडर रूट के अंदर है, तो ये आ गया आपका विच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एट, अंडर रूट एट को टू रूट टू लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर फोर और फोर टू जो एट, माइनस वन का अंडर रूट वन और ये आयोटा, तो आयोटा ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट प्लस माइनस टू रूट टू माइनस आयोटा। अब इसको उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ रख देते, रखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या था इक्वेशन फर्स्ट, एक्स इज इक्वल टू थ्री रूट टू माइनस टू आयोटा, थ्री रूट टू माइनस टू आयोटा प्लस माइनस, ये रूट टू को ऐसी रहने दो, ये रूट टू इन टू इस अंडर रूट के प्लेस पे ये वाली वैल्यू, प्लस माइनस नहीं ऑलरेडी पहले ही लगा हुआ है, बार बार लगाने की जरूरत नहीं, बस इसको लिख दो, टू रूट टू माइनस आयोटा अपॉन टू, इसको सॉल्व कर दो, एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं और एक बार नेगेटिव साइन ले लेते, मैं इसको अगले पेज में ले लेता हूँ, यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज निकालना है हमको, तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लो एक बार नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री रूट टू माइनस टू आयोटा, और इसमें प्लस रूट टू का इंटू कर दो, रूट टू का इंटू करेंगे रूट टू में तो टू हो जाएगा, टू टू जब फोर प्लस का, रूट टू का माइनस आयोटा में करेंगे तो माइनस रूट टू आयोटा अपॉन टू, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, और ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट थ्री रूट टू प्लस फोर, थ्री रूट टू और प्लस फोर को एक ब्रैकेट में ले लो और इन दोनों में से माइनस आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं, ये माइनस आयोटा बाहर लिख देंगे,
यहाँ बच जाएगा टू और यहाँ बच जाएगा प्लस रूट टू आई ओटा, इंटू करेंगे तो आप वही टर्म आपको मिल जाएगी माइनस टू आयोटा और माइनस माइनस प्लस माइनस रूट टू आयोटा अपॉन टू। बस ये आपकी एक्स की एक वैल्यू आ गई, एक आंसर हो गया आपका एक्स इज इक्वल टू थ्री रूट टू प्लस फोर माइनस टू रूट टू आयोटा अपॉन टू। अब एक बार माइनस साइन ले लो बाय टेकिंग नेगेटिव साइन, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री रूट टू माइनस टू आयोटा को तो ऐसे ही रहने दो इसको, और माइनस रूट टू से इस ब्रैकेट में इंटू कर दो, तो माइनस रूट टू इंटू रूट टू टू हो जाएगा, टू टू जो फोर और ये माइनस माइनस प्लस रूट टू आयोटा अपॉन टू। ये थ्री रूट टू माइनस फोर रियल पार्ट है, इसको इकट्ठे लिख लो थ्री रूट टू माइनस फोर, इन दोनों में से माइनस आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं, ये माइनस और आयोटा पीछे लिख देंगे, ये टू और रूट टू प्लस रूट टू है, माइनस आपने कॉमन निकाले तो माइनस रूट टू और ये आयोटा, इन टू करके देख लो वो ये आ जाएगा माइनस टू आयोटा और माइनस माइनस प्लस रूट टू आयोटा अपॉन टू। ये आपकी एक्स की दूसरी वैल्यू हो गई, एक्स इज इक्वल टू थ्री रूट टू माइनस फोर माइनस टू रूट टू आयोटा अपॉन टू। तो ऐसे आप गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग पार्ट्स वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स, ठीक है, ओके बाय।